अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अब्दुलरहमान मल्ली एंड मी अब्दुलरहमान वंस अगेन विद यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ गंदम के खेत में, जहाँ के गंदम की कटाई हो चुकी है, गठियाँ वगैरह बांध दी गई हैं, आप देख सकते हैं, और अब हो रही है गंदम की गाई। गंदम की कटाई के 3 मेथड हैं, तो वो मेथड भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि गंदम कैसे काटी जाती है, और गंदम की कटाई के वक्त एक खेल खेली जाती है, वो भी आपसे हम वीडियो के एंड पे शेयर करते हैं। इस खेल में ढोल बजाया जाता है और लोग दूर दूर से इस खेल को देखने के लिए आते हैं। तो गंदम की कटाई के वक्त ये जो दिलचस्प खेल खेली जाती है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि गंदम की गाई कैसे की जाती है। जी फ्रेंड्स, तो ये है थ्रेशर मशीन जो कि गंदम की गाई करती है। गंदम की गठरी को लाके इसके सामने खोला जाता है और थोड़ी थोड़ी करके गंदम इसके बीच में डाली जाती है। जी फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन की वर्किंग के बारे में। तो ये मशीन जो है, ये ट्रैक्टर के थ्रू चलाई जाती है। ट्रैक्टर इस मशीन के रूलर को घुमाता है और थ्रेशर मशीन के साथ लगे इस रूलर को बेल्ट लगाकर बड़े रूलर्स को घुमाया जाता है। जब ये बड़ा रूलर घूमता है तो उस रूलर के साथ मजीद बेल्ट लगाकर छोटे रूलर्स को घुमाया जाता है। जब ये छोटे रूलर्स घूमते हैं तो इन रूलर्स के घूमने से मशीन के अंदर लगे जो कटर्स हैं वो घूमते हैं। जब गंदम थ्रेशर में डाली जाती है तो ये कटर्स गंदम का सीधा जो है उसको अलग कर देते हैं, और तना जो है उसको अलग करके छोटे छोटे पीसेस बना के एक प्रेशर के साथ बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोसा बोलते हैं पंजाबी में, जिसे कहते हैं तूड़ी। और ये तूड़ी जानवरों के चारे में उनके खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर तो आप एक गांव के रहने वाले हैं तो आप इस मशीन से बहुत अच्छी तरह बाखबर होंगे, लेकिन अगर कभी आप इस मशीन के पास नहीं गए और बाई चांस कभी आपको मौका मिले इस मशीन के पास जाने का और इसमें गंदम डालने का, तो याद रहे आपने दूर रहकर एक डिस्टेंस से बीच में गंदम फेंकनी है, क्योंकि इस मशीन के कटर्स ऐसे हैं जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। इस मशीन में आप लकड़ी डाल दें या लोहा डाल दें, ये ऐसे ही उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगी, क्योंकि इसके कटर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसलिए अगर आप कभी इस मशीन के पास जाएँ तो केयरफुल रहें। आपको मज़ीद बताते चलें कि गंदम की गाई किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है, और टीम वर्क के साथ ही हम इस काम को सिस्टमेटिकली और प्रॉपरली कर सकते हैं। 2 से 3 बंदों की ड्यूटी होती है कि वो पीछे से गठरियाँ उठाकर थ्रेशर के पास लाकर रख देते हैं, और एक बंदा जो थ्रेशर के पास खड़ा होता है वो इन गठरियों को खोल कर गंदम उठाकर थ्रेशर के बीच डाल रहा होता है, और 2 बंदों की ड्यूटी होती है कि ये मशीन जो दानों को साफ करके बाहर निकालती है वो इन दानों को उठाकर थैलों में डालती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मशीन गंदम के सिट्टों और तनों को अलग करके साफ दाने हमें बाहर कैसे निकाल कर देती है। जी फ्रेंड्स, तो थ्रेशर मशीन के नीचे लगे होते हैं ये छानने, जिन्हें आप अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि तूड़ी के जर्रात नीचे आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ तूड़ी के जर्रात ही नीचे नहीं आ रहे, बल्कि गंदम के दाने भी नीचे आ रहे हैं। ये छानने अच्छी तरह वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद ये तूड़ी के जर्रात को अलग कर देते हैं और दानों को साफ करके अच्छी तरह बाहर निकाल देते हैं। जब गंदम के दाने साफ होकर बाहर निकलते हैं तो उनके नीचे रखा होता है एक बर्तन। जब ये एक बर्तन गंदम के दानों के साथ अच्छी तरह भर जाता है तो इसको उठाकर एक खाली बर्तन नीचे रख दिया जाता है, और इस भरे हुए गंदम के बर्तन को उठाकर थैले में डाल दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, तो ये है वो जगह जहाँ तूड़ी के तनों को छोटे छोटे पीसेस बनाकर बोसे की सूरत में एक प्रेशर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, पंजाबी में जिसे बोलते हैं तूड़ी, और ये तूड़ी जानवरों के चारे में इस्तेमाल होती है। अगर आप गौर से देखें तो तूड़ी जहाँ से निकल रही है वहाँ एक साइड पे लगाई हुई है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं कई इस तो लाई है, क्योंकि हवा का फ्लो जड़ा है उस तरफ बहुत ज़्यादा सीगा, तूड़ी ने बहुत दूर दूर जाकर डिगना सीगा हवा के नाल, बहुत दूर दूर जाकर तूड़ी डिगे, इस तो बचन वास्ते एक साइड पर कई लाती है ताकि तूड़ी जड़ी है सीधी जाकर डिगे और धड़ बनाने आसानी हो। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि गंदम को 3 तरीकों से काटा जा सकता है। नंबर 1, हाथ से कटाई। जब गंदम की फसल तैयार होने पे ही होती है तो मोस्टली हवाएं चलती हैं, और कुछ गंदम ऐसी होती है जो कि हवा चलने की वजह से गिर जाती है, लेकिन बहुत सी गंदम ऐसी भी होती है जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है हवा चलने की वजह से,
नहीं गिरती। तो इसलिए हाथ से कटाई एक देसी मेथड है जो कि हर तरह की गंदम को काट सकता है। अगर हवा चलने की वजह से गंदम नीचे गिर गई है तो उसको तो हाथ से ही काटा जा सकता है। अगर गंदम नहीं गिरी तो उसको हाथ से काटना थोड़ा आसान हो जाता है। इन शॉर्ट वर्ड्स, गंदम नीचे गिरी हो या खड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हाथ से हम हर तरह की गंदम को काट सकते हैं। नंबर दो, रैपर से कटाई। रैपर सिर्फ उस गंदम को काट सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जो नीचे नहीं गिरी हुई होती। और रैपर से कटाई का फ़ायदा ये है कि रैपर बहुत थोड़े टाइम में काफ़ी सारी गंदम को काट देता है और जड़ से काटता है। नंबर तीन, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो कि गंदम को सिर्फ ऊपर सिट्टों सिट्टों से ही काटती है, नीचे जड़ से नहीं काटती। मतलब तूड़ी नहीं बनाती, तूड़ी को ज़ाया कर देती है। तो एक जिमीदार जिसने जानवर रखे हुए हैं वो अपने जानवरों को क्या डालेगा जब तूड़ी ही नहीं बनेगी। इसलिए एक जिमीदार को हर तरह से सोच समझ कर ही चलना पड़ता है कि उन्होंने अपने गंदम की कटाई हाथ से करनी है, रैपर से करवानी है या फिर हार्वेस्टर से करवानी है। वो अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उस खेल की जो कि गंदम की कटाई के मौसम में खेली जाती है। तो वो खेल ये है कि दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारान का आपस में गंदम की कटाई का मुकाबला होता है कि कौन कितने कम वक्त में ज्यादा गंदम काटता है। और ये खेल देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गांव के लोग एक खास दिन मुकरर करते हैं ये खेल खेलने के लिए और अपने इर्द गिर्द के गांव में भी पैगाम भिजवाते हैं कि फलां गांव में ये गेम खेली जाएगी। और दूसरे गांव के लोगों के साथ साथ उन गांव के नंबरदारों को भी इस खेल को देखने के लिए मदऊ किया जाता है। और इस गेम को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाकायदा ढोल का इंतजाम किया जाता है। और जब ये ढोल बजना शुरू होता है तो वो दोनों उम्मीदवारान अपनी गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। और तब तक ढोल बजता है जब तक कि उन दोनों में से कोई एक अपने विनिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए ना सिर्फ अवाम की तरफ से तालियों की गूंज होती है बल्कि नंबरदार उसे भरपूर अनाम देकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं और इर्द गिर्द के ना सिर्फ गांव बल्कि इलाकों में उनके नाम के गुण गाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेरी ऐसी ही किसी एक मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।